हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को, और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो पर्सन है, ए और बी, दोनों कोई काम को कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मतलब ए को 10 दिन कम समय लगता है बी के कंपैरिजन में, बी को जितना भी समय लगता है उस काम को कंप्लीट करने में, ए उसी काम को 10 दिन पहले पूरा कर देता है। ठीक है, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, और अगर दोनों ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगता है, 12 दिन, वो काम 12 दिन में खत्म हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क, तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर उस काम को बी अकेले करेगा तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। बी भी हो सकता था, यहाँ पे ए भी हो सकता था, कुछ भी, कि इंडिविजुअली अगर दोनों पर्सन उस काम को करे तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं ए टेक्स 10 डेज लेस, ए को 10 दिन कम लगता है, तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू एक्स डेज, बी को लगता है एक्स डेज, देन टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 डेज, उससे 10 दिन कम लग रहा है। ठीक है, ये हो गया टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन एक्स डेज, एंड टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क हो गया एक्स माइनस 10 डेज। तो दोनों का वन डे वर्क निकालते हैं, बीज वन डे वर्क, बी एक दिन में कितना काम किया होगा, वन बाई एक्स, और एज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस 10। ठीक है, दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, ए प्लस बीज वन डे वर्क क्या होगा, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों का मिला के वन डे वर्क ये हो गया। अब क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलके अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 12 दिन में। तो इसको हम एक इक्वेशन वन मान के छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं ए एंड बी टुगेदर फिनिश the work in 12 days। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 12 दिन में। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, a and b b's one day work, ये हो जाएगा 1/12, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां भी आ गया a प्लस बीज वन डे वर्क, और ये भी है a प्लस बीज वन डे वर्क, ये आ गया 1/12। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/12। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जगह बनाते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, यहां लिखते हैं इसको हम लोग 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/12। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 10 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1/12। यहां पे ये हो गया x प्लस एक्स 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जाइए हो गया 24x माइनस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। एक्स आ गया कॉमन, x माइनस 30 और माइनस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 30 इक्वल टू 0।
तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का दो वैल्यू मिल जाएगा हमें, x इक्वल टू 30 आ जाएगा और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x हमने किसको एज्यूम किया था, टाइम टेकन बाय b टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर व्हेन x इक्वल टू 4, हम अगर x का वैल्यू को 4 लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 लेते हैं तो b को कितना समय लग रहा है, 4 डेज, और a को कितना समय लग रहा है, 4 माइनस 10 यानी माइनस 6 डेज। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि b अकेले उस काम को 4 दिन में खत्म कर दे, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि दोनों मिलके जब काम करते हैं तब 12 दिन में काम खत्म होता है, तो b अकेले 4 दिन में कैसे खत्म कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू 4 नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या हम लेंगे, 30। तो b को कितना समय लगेगा, 30 डेज, b अगर अकेले काम करता है तो उसको लग जाएगा 30 डेज, और a को कितना लगेगा, x माइनस 10 यानी 30 माइनस 10 यानी 20 डेज। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट।